डिजाइन बहुत अच्छा बनाया है, बस दो चार दिन में हम काम शुरू कर देंगे। धन्यवाद सक्सेना जी, आप अपने बिल्डिंग का काम शुरू कीजिए और पार्टी दीजिए। जब बोलिए तब पार्टी। प्रीति आई पापा। अरे जरा जल्दी करो, ऑफिस जाने में लेट हो रही है। ये लीजिए आपका टिफिन और टाइम से खा लीजिएगा। सुनिए पार्टी, हाँ दिलीप जी, इस जमीन का कल प्लॉटिंग करवा दीजिए। आप सही बोल रहे हैं, शुभ काम में देरी का। सही बोल, हम तो कल ही जेसीबी वाले को बोल दिए हैं और सब लेबर लोग को बोल दिए हैं कल से आ जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। प्रीतम जी को बोल के उनका जमीन का नक्शा बनवा दीजिए। हाँ हाँ ठीक है, कल हम चल जाते हैं। कल सुबह में जाके सब लेबर को लेके आ जाना। ठीक है, ठीक है। डिजाइन सब कंप्लीट हुआ? हाँ, क्योंकि 12 बजे से भेजना है। कंप्लीट तो हो गया है, बस आधे घंटे की मोहलत दीजिए। आधे घंटे में हम लोग बिल्डिंग का डिजाइनिंग जो है कंप्लीट कर देंगे। ओके ठीक है सर, ओके ओके सर। एक बात कहूँ आपसे? हाँ बोलो ना, क्या बात है? मेरी माँ है ना, आपकी सास माँ, एक सप्ताह तुमको पता होना चाहिए कि तुम अगर चली जाओगी तो मैं खाऊंगा कैसे, खाना कौन बनाएगा? रूम कैसा होना चाहिए? बेडरूम, आपका कमरा वेरी गुड, तीन रूम कम से कम, दो बाथरूम, अच्छा अच्छा किचन हॉल हो जाएगा। इतना चिंता क्यों करती हो माँ, आखिर क्या बात है? तुम्हारी बेटी तुम्हारे साथ है माँ, क्यों चिंता करती हो? बिल्कुल बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखती माँ। हाँ बेटी, मुझे हमेशा तुम्हारी चिंता लगी रहती है। अब मैं आ गई हूँ ना माँ, अभी कुछ नहीं होगा। ए बाबू, कहाँ से आ रहा है? जितना भी रोक रहा है मेरे हवाले करो, वरना आप लोग को कहीं हम देखे। देखता क्या, मार इसको। अच्छा तुम आ गई माँ से मिलकर? टेंशन टेंशन में ना रहो तो क्या रहो, तुम खुश हो ना अपनी माँ से मिलकर आई तो? मैं जीऊंगा मरूं तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तो टेंशन में रहूं ना तो क्या करूं बताओ? चलो हटो। ठीक है मानता हूँ, मेरा हाथ टूटा हुआ नहीं है, समझी ना, मैं पी सकता हूँ।